आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि यूपी और यूपी के लोगों का अपमान होता रहा और गांधी परिवार तालियां बजाता रहा, वहीं लोग अब यूपी में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। पीएम ने कहा कि सारे वादे और विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही धूमधाम से होली मनाई जाएगी। गाँव गाँव घर घर शौचालय बनाया गया है। फिरोजाबाद में सपा अध्यक्ष ने चारों विधानसभाओं में जनसभा करके प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंच साझा किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली बिल को सस्ता किया जाएगा और नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। मैनपुरी के एशिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में कोसमा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सपा पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मैनपुरी की जनता बीजेपी की चारों प्रत्याशी को जिताकर समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ करेगी। मैनपुरी से ही नहीं करे प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होना अब तय हो गया है। अब आपको तय करना है उनको जेल में रखना है या बेल पर बाहर निकालना है। बताओ क्या करना है, क्या करना है? अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी के राज में कोई बाहुबली नहीं है। भाजपा के राज में कोई बाहुबली नहीं है। उत्तर प्रदेश में है तो बजरंग बली है। पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। डकैती में 72% की कमी लाए हम, लूट में 62% की, हत्या में 31% की, बलात्कार में 50% की कमी आई है। मित्रों, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की जनता का प्रदेश, 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। 5 साल में योगी जी ने उसको 2रे नंबर की अर्थव्यवस्था। कन्नौज में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मंच पर पहुंचे ओवैसी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भीड़ देख खुश नजर आए ओवैसी ने मंच से कहा कि पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। चिबरामऊ की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए और हाथ देखना शुरू करो। आप लोग आपसे आकर कहेंगे कि कैसे चिबरामऊ से मोहम्मद चांद जीत पाएगा, मोहम्मद चंदन जीत पाएगा, कैसे बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। अगर जो कौम जो बिरादरी हाथ देखना शुरू कर देती है तो यकीन जानिए जब आप ख्वाब देखेंगे तो ख्वाब को पूरा करना भी आपके हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा भोगांव में अपनी चुनावी जनसभा में भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता 2 चरणों में मतदान की गर्मी निकाल चुकी है। भोगांव में अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, इसको सिर्फ युवा ही बचा सकते हैं। मंत्री पुत्र ने किसानों की जान ली और कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन जनता जमानत नहीं देगी। किसानों को कुचलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह लखीमपुर पहुंचे। यहां गृहमंत्री अमित शाह मंच से जनता को संबोधित किए। जनसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने सपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये गुंडों माफिया की पार्टी है, अखिलेश यादव ने हमेशा गुंडों को पनाह दी है। गृहमंत्री शाह का कहना है कि इस बार भी बीजेपी सरकार में ही जीतेगी।
बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 24 निर्मित और 7 अर्ध निर्मित अवैध तमंचे बरामद किए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध असलहा तस्करों की तरफ से दूसरे राज्यों में भी तमंचे की बिक्री जाती। अवैध असलहा फैक्ट्री का संचालन करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये जनपद बांदा में ऑपरेशन क्लीन लगातार चल रहा है, जिसके तहत हम सभी अपराधियों पर, खासकर जो संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं, उन पर हम लोग प्रहार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कि 4 लोग हैं इस गैंग में और टोटल हम लोग को 31 तमंचे, जिसमें कि जो कि 24 जिसमें से पूरी तरह से निर्मित हैं और 7 जो है अर्धनिर्मित हैं। सभी तमंचे 315 बोर के हैं, उनको हम लोगों ने पकड़ा है, सीज किया है और ये आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये बड़ी कार्रवाई है। और इस चीज़ को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि ये किसको बेचते थे और इनके लिंकेजेस किससे हैं, इन सब का भी हम लोग खुला सकते। गोरखपुर के राजघाट क्षेत्र के चकला दोयम में आबकारी विभाग ने 10,000 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले लहन को नष्ट किया है। कच्ची शराब के माफियाओं के कारण आबकारी विभाग को लाखों नुकसान होता है। कच्ची शराब माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे। माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए ही आबकारी विभाग ने एक्टिव हुई, आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है। अब जो है लगभग 1 लीटर जो है देसी शराब पर कम से कम 260 रुपये का राजस्व निहित होता है। तो इस प्रकार से देखें तो कम से कम हम लोग 2.5 से 3 लाख जो हम लोग कल बरामद किए हैं शराब, उसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये का राजस्व जो है हम लोग बचत किए हैं, राजस्व का बचत हुआ है। इसके अलावा जो है पिछले 3 से 4 सालों में जो हमारे जनपद का कोटा है वो लगभग 3 गुना बढ़ गया है। करीब 65 लाख से हम लोग का जो वर्तमान कोटा है वो 1,92,00,000 पहुंच गया है। हमारा जो राजस्व है लगभग 3 गुना हमारे राजस्व में भी वृद्धि हुई है। तो जब हम अवैध शराब के विरुद्ध जो है प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं या अवैध शराब की रोकथाम जब होती है तो उससे हमारा कंजम्पशन जो है, हमारा जो देसी शराब है या जो हमारा जो सरकारी शराब है उसका। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर राजेंद्र कुमार और जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्र ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता में राष्ट्रीय किसान नेता पासा पटेल और हरिओम मिश्रा ने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों और नौजवानों के लिए क्या काम किया है। प्रतापगढ़ रायबरेली के बीच ऊंचाहार NTPC पर ऊर्जा केंद्र है, जहाँ प्रतिवर्ष 6.67 लाख मीट्रिक टन कोयला की मांग है। इसी के साथ ही कहा गया कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाएंगी। अटल इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। फरवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पहली बार 7वें इंटरनेशनल बांबू कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान में इसकी मूवमेंट शुरू कराने के लिए उन्होंने बात कही थी। 2600 करोड़ रुपए दिया था, लेकिन बाद में से सरकार आई सोनिया गांधी की और शरद पवार की, इसलिए वो पीछे पड़ गया था। अब फिर मोदी जी की सरकार आई, 14 को सरकार आई और 17 को मोदी जी ने निर्णय लिया। अब आपको बताना चाहता हूं, जल्द ही भारत देश में 300 रिफाइनरी बांस से इथेनॉल की लगेगी, 3,00,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और एक एक रिफाइनरी 1,000 करोड़ की रहेगी और 6,000 करोड़ लीटर इथेनॉल निकलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के 7 विधानसभा में प्रत्याशी इस समय नंबर 1 पे चल रहे हैं, जिनकी भी लड़ाइयां हैं अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उनकी लड़ाई। हम 7 की 7 विधानसभा सीट जीतने की स्थिति में हैं। 2022 का चुनाव बड़ा ही महत्व का है, इस नाते से वो हमारा जो बूथ कमेटी का सदस्य है और पन्ना प्रमुख है, वो अपने बूथ को जीतने के लिए 20 तारीख के बाद बूथ विजय अभियान के माध्यम से घर घर संपर्क करके, घर घर प्रत्याशी का सिंबल बता करके और इस पूरे
10 महीने पूर्व सऊदी अरब में हुए अलीगढ़ के युवक की मृत्यु के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने मृत्यु के 10 महीने बाद हाईकोर्ट से आदेश पर शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम की मांग की है। वहीं उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद मजिस्ट्रेट व पुलिस की देखरेख में शव को कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम भेजा गया और पूरे मामले की जाँच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये है कि 15 अप्रैल में भाई की डेथ हुई थी सऊदी अरब, वहाँ से 46 दिन में बॉडी आई थी। उसके बाद में जब वो बॉडी आई थी तो हमें उसके ऊपर कुछ शक पैदा हुआ, हमने 3 दिन अपने घर रखा। पोस्टमार्टम के लिए हमें परमिशन नहीं मिली, फिर हम उसके कुछ दिन बाद ही परमिशन आ गई थी तो हमें DM साहब के यहाँ बुलाया गया था। DM साहब के यहाँ हमें बताया गया कि यहाँ से वहाँ से ऑर्डर आए हैं बॉडी का, हमने कहा तदफीन कर दी है हमने 1 जून में, तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि ये ऑर्डर आए हुए हैं, तो हम लग गए कि ऑर्डर आए तो जाहिर है पता हमें चलना चाहिए, शुरू से ही हम जाना चाह रहे थे। फिर ऑर्डर आ गए थे, उसके बाद में फिर हमें अंजुम बी ने ऑर्डर दे दिए थे ACM सेकंड ने, फिर रिमाइंडर हमने किया, फिर काम नहीं हुआ था हमारा अभी तक, तो फिर हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, तो ये हमारा हाईकोर्ट का नतीजा है। शाहिदा परवीन है निवासी लोको कॉलोनी अलीगढ़ की, उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनका बेटा जो सऊदी अरब में था तमकीन अहमद, 15 अप्रैल 2021 को उसकी डेथ हो गई थी और 31 मई 2021 को ही बॉडी यहाँ लाकर और 1 जून को दफना दिया गया था। उसमें संभवतः कोरोना का लहर चल रहा था, इसमें पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था इनका कहना था। तो बाद में इनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी आयोजित की गई, जिसमें माननीय न्यायालय का आदेश था कि इसको 176 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट अपना संज्ञान लेकर अगर मृत्यु का कारण ज्ञात करना है तो बॉडी निकलवा के इसका पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। तो मैंने जो संयुक्त निदेशक जो हमारे JD प्रोसिक्यूशन होते हैं उनकी भी विधिक राय ली, तो उन्होंने कहा कि बॉडी निकलवा के और इसका मृत्यु का सही कारण अगर जानना है तो पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। उसी के तहत आज मृतक के जो घर वाले हैं और हमारे संबंधित पुलिस स्टाफ और सबकी उपस्थिति में बॉडी निकलवाया गया और उसको भेजा। रायबरेली में मोबाइल से सेल्फी खींचने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। सेल्फी खींचने के चक्कर में एक बच्चा गंदे नाले में गिर गया। अपने साथ साथी को नाले में डूबता देख दूसरा बच्चा भी बचाने के लिए नाले में कूदा। दोनों बच्चों को डूबता देख पास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया। एक बच्चे को सही सलामत निकाल लिया गया, लेकिन वही दूसरे बच्चे की पानी में डूबने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई है। जो बच्चे खत्म हो गए, जो बच्चे कूद पड़े तो एक तीसरा चिल्ला रहा था, तो हम लोग दौड़े वहाँ से, तो एक तो बच गया है, एक नहीं मिला, ढूंढ रहे बहुत देर तक ढूंढ रहे। कहाँ पे ये लोग खेल रहे थे? यही जगह खेले फर्श पे, वहाँ देखे थे बाहर जाते। ये कौन सा नाला है? गंदा नाला, गंदा नाला, थाना बदोकर। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।